दिल्ली किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट ने अपने कार्यालय पर कुछ गरीब किसानों के लिए भोजन का कार्यक्रम किया और अपने कार्यालय से अमर शहीद जवान चौक तक कैंडल मार्च निकाल रहे थे और अमर शहीद जवान चौक पर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देना था और ज्ञापन में कुछ मांगे थी 20 लाख रूपए की धनराशि का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए और इन मांगों को लेकर कैंडल मार्च लेकर जा रहे थे। तभी बीच में नगरपालिका संडीला के पास संडीला कोतवाल सूर्य प्रकाश शुक्ला जी ने अपने पूरे फोर्स के साथ आकर रोक लिया और अभद्रता बदतमीजी अपशब्द कहे। यह बेहद निंदनीय है कि हम किसानों के साथ ऐसा बदसलूकी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ही ऐसे पेश आएगी तो हम न्याय किससे मांगेंगे। हम किसानों को न्याय मिलना चाहिए। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष रफीक लंबू, जिला प्रभारी सुजात अली, जिला उपाध्यक्ष सलमान इदरीसी, युवा जिला अध्यक्ष चांद बाबू अंसारी, नगर अध्यक्ष फिरोज अंसारी, कफील अंसारी, तहसील उपाध्यक्ष, जिला सचिव ज्योति गौतम, पिंटू मौर्य, कुलदीप गौतम, आशिफ कुरैशी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हमारी बात हमारी इतनी उपाधि के माफ से कुछ भी लगे हमारी इतनी जाएंगे अभी हमारे फलाएंगे जाओ मौका मिलेगा बता रहा तोड़ दो मौका मिलेगा हम बता रहे तुम्हें मेरा नाम उठा समझ उठा कर दो हम बता रहे तुमको राइट टाइम को दो घंटा कट गया ये सब करने कह रहा हूँ हम राइट टाइम कर दो तुमको नमस्कार। मैं भारतीय किसान यूनियन सावित्री का जिला अध्यक्ष रफीक लंबू, जो हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं और हर मुसीबत को झेल रहे हैं, उनमें कुछ हमारे किसान शहीद हो गए हैं, उनकी आत्मा के लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इसके लिए आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें खाने का इंतजाम किया था और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने अपने कार्यालय पर एक कार्यक्रम किया और उनको माला अर्पण किया, फूल अर्पण किया और इसके बाद हम लोगों ने इमलियाबाग से बस अड्डे तक कैंडल मार्च का कार्यक्रम था जिसमें हमारे जिला प्रभारी सुजात अली जी ने SDM साहब को फ़ोन करके बताया था कि हम लोग आपको एक ज्ञापन देना चाहते हैं। ज्ञापन में कुछ मांगे थी हमारे किसानों के लिए, जैसे कि जो हमारे किसान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए और जो किसान शहीद हुए उनके एक उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम 20-20 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाए, ये हमारी मांग थी। लेकिन बीच में ही हमको संडीला कोतवाल ने रोक लिया और उन्होंने न ज्ञापन लिया और न किसी को ज्ञापन देने दिया और न हमारे जवान चौराहे पे हमें मोमबत्ती लगाने दी, न उन शहीदों की तस्वीर रखने दी। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके के अधिकारी हैं जो किसानों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, जो देश के अन्नदाता, जिस दिन देश में अन्नदाता नहीं रहेंगे ये खाएंगे क्या ये पिएंगे क्या। और एक हमारी हरदोई जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आपके क्षेत्र में इस तरीके से अधिकारी, जब हम किसानों के साथ दुर्भाग्य तरीके से बात करेंगे, इस बदतमीजी से बात करेंगे तो हम कहाँ जाएं, किन अधिकारियों के पास जाएं अपनी बात कहने के लिए। जय जवान जय किसान।